इनर पीस, इनर पीस नहीं है, टेंशन है, डिप्रेशन है, अंदर घबराहट होती है, हर वक्त दिमाग ओवरथिंक कर रहा होता है चीजों के बारे में। इन सबको दूर कैसे किया जाए, मैं ही बताता है। कंस्ट्रक्शन का काम क्यों करा रहे हो तुम यहाँ पे यार? क्योंकि अब आप जा रहे हो तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रोफेशनल होगी, इट्स कटिंग आउट द डेड वेट। आपको अंदर टेंशन जो घबराहट रहती है वो क्यों रहती है, किस बचाओं की वजह से रहती है? यार एक साइंटिफिक कुछ होती है कभी कभार, वो आपके जो खाते हो और जो अच्छी खासी लंबी करी है अथर अहमद भाई साहब ने। असल रीजन क्या है इनर पीस ना होने का, घबराहट का, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मुझे ये महसूस घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन, ये मुझे तीन चीजों की वजह से होता है। नंबर वन, वरीज ऑफ द फ्यूचर, बाद में जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी यार, बाद में मैं पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा यार, मेरे दोस्त मुझसे दूर तो नहीं चले जाएंगे। नंबर टू, रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट, अबे यार अगर मैं उस वक्त थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो आज पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ होता। अबे यार उसका मैंने दिल बहुत तोड़ा है यार, उस बंदे का यार, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है यार। एंड नंबर थ्री, डाउट्स अबाउट द करंट सिचुएशन, कि मैं जो कर रहा हूँ मैं वो सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और मैं अपना मैं एक चैनल लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन इज इट द राइट टाइम टू डू इट, एम आई बीइंग स्टूपिड, इज दिस स्टोरी गोइंग समवेयर एल्स। और ऑब्वियसली इन सब चीजों से फिर और भी चीजों पर फर्क पड़ता है, जिस तरह का आपका मूड हो गया, आपका माइंडसेट हो गया, आपकी एनर्जी, आपका सब, और इन चीजों से आपके काम पे इफेक्ट पड़ता है ऑब्वियसली। तो अगर इंसान की ये चीजें सॉर्ट हो जाए, मतलब कि उसके जहन में पुरानी रिग्रेट्स ना आ रही हो, फ्यूचर की टेंशन ना हो रही हो, करंट चीज़ों के बारे में डाउट ना हो रहा हो, तो इंसान का फोकस ऑब्वियसली बढ़ेगा, और फोकस ऑब्वियसली बढ़ेगा तो ऑब्वियसली काम बेहतर होगा, और ऑब्वियसली काम बेहतर होगा तो ये तो मैंने बात करनी है दोबारा ही नहीं करनी। तो अगर इंसान अपनी जिंदगी में ये सारी चीज़ें सॉर्ट कर ले तो उसका जिंदगी में फोकस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। जिंदगी में काम उसका बेहतर होगा नहीं होगा? होगा। जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उस कंपनी का फायदा होगा नहीं होगा? होगा। तो इसीलिए मुझे मैंगोबाज़ ने सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो एक काम करो, कोई भी टास्क मैनेजमेंट ऐप खोलो, भले वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, नोट पैड हो, वर्ड पैड हो, मैं इस्तेमाल करता हूँ वंडरलिस्ट, तो उस तरह भी टास्क मैनेजमेंट ऐप, टास्क मैनेजमेंट ऐप खोलो और उसमें तुम्हारे जहन में जो भी आ रहा है ना, जो भी, मतलब एक एक चीज सब उस पर लिखो, भले वो छोटी चीज हो, बड़ी चीज हो, इनसिग्निफिकेंट हो, सिग्निफिकेंट हो, सारी चीजें दिमाग को खाली कर देना, कोई भी थॉट आए सब लिख डालना वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग फैट, मुझे लगता है मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है विद टाइम, मुझे मेरा घर का पेंट नहीं अच्छा लगता, everything goes, everything। अब जो आपने अपने सारे मसले लिख लिए हैं, अब आपने इन सब का आइडियल आउटकम लिखना है, मतलब कि इन सारे मसलों का बेस्ट केस सलूशन आपके लिए क्या है, इस मसले का हल क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखा था कि आई एम गेटिंग फैट, तो इसका शायद आइडियल सोल्यूशन ये है कि यार मेरी रणवीर सिंह जैसी बॉडी हो जाए, और मैंने लिखा था कि यार मेरा कॉन्फिडेंस विद टाइम थोड़ा कम हो रहा है, तो शायद इसका आइडियल सोल्यूशन ये है कि दुनिया में थोड़ा कॉन्फिडेंट इंसान बन जाऊं। राइट रॉबर्ट। अब आपने देखना है कि आपने इस आइडियल सिनेरियो को हासिल करने के लिए नेक्स्ट चीज क्या करनी है, बिल्कुल नेक्स्ट, लाइक अभी फौरन क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, रणवीर सिंह जैसी बॉडी चाहिए तो भाई जिम जाना पड़ेगा, लेकिन कौन से जिम जाए, वो वाले जिम के वो वाले जिम, डिपेंड करता है कि पैसे कितने मेरे पास, कितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ जिम महीने का, तो पैसे कितने मेरे पास पता नहीं, देखना पड़ेगा, अकाउंट खोल के पैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट एक्शन, अकाउंट खोलो और पैसे देखो तुम्हारे पास असल में कितने हैं। अगर मुझे रणवीर सिंह जैसी बॉडी चाहिए तो ये है मेरा पहला नेक्स्ट एक्शन। और मेक श्योर कि आप जो भी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके कंप्यूटर के अलावा फोन में भी हो, क्योंकि ये सारे नेक्स्ट एक्शंस लिखने के बाद आपके पास बहुत टास्क आ जाएंगे और वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी और आपका सर घूमने लगेगा। आप उस ऐप में कॉलम स्लैश रोज स्लैश डब्बे बना लें जिसकी हेडिंग्स कुछ इस तरह की हों, फोन, ऑफिस, आउट विद फ्रेंड्स, विद फैमिली, और फिर जो आपने सारे टास्क लिखे हैं उन टास्क को अकॉर्डिंगली उन डब्बों में डाल दें जहां पर या जिस टाइम पे आप वाला काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको जो सारे फोन में करने वाले काम वो आपके फोन वाले डब्बे में आ जाएंगे, और फिर आप जब भी फोन इस्तेमाल कर रहे हो तो आप वो डब्बा खोल के देख लें कि कोई टास्क है क्या, डब्बों के अंदर जो सारे काम है उनमें से कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद। डब्बों के अंदर जो काम है सारे, उसके अंदर से पहले कौन सा काम करना है, कौन सा बाद में करना है, इसमें अपने आप को ट्रस्ट करो कि आप ऑन द स्पॉट प्रायोरिटाइज कर लोगे। और मैं जो भी काम डेडलाइन बाउंडेड है या टाइम बाउंडेड है या उसको एक टाइम से पहले करना है, उन पे क्या सेट कर दें, रिमाइंडर। यस। फिर जब भी तेरा काम खत्म हो ना, तो फिर सोच कि मैंने नेक्स्ट चीज क्या करनी है और उसकी जगह वो नेक्स्ट चीज डाल दे। एंड रिव्यू दी सिस्टम्स एवरी वीक, ऐड थिंग्स, रिमूव थिंग्स। परफेक्ट, थैंक यू। जब मैं ये करता हूँ तो मेरे साथ ये होता है।
I literally have nothing on my mind. मतलब मैंने अपनी सारी tensions को break down कर दिया होता और मैं chill हो गया होता हूँ. दुनिया में मेरे लिए जितनी भी tension है उनको दूर करने के लिए exactly मुझे क्या क्या कब करना है मुझे पता है. क्योंकि आपको satisfaction और peace अपने tensions को दूर करने के अलावा उनको control में लेने से भी आता है. मेडिटेशन, ये मेडिटेशन हो रही है इसके अंदर. और मेडिटेशन क्या चीज़ है? असेंशली मेडिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ हैविंग नथिंग ऑन योर माइंड. सो वाइल ये वाली मेडिटेशन इज रिवॉल्विंग अराउंड कि आपने अपनी सारी दुनियावी चीज़ें को ठुकरा दिया है, मेरी थोड़ी मेडिटेशन डिफरेंट है. मैं दुनियावी चीज़ों को बेस्ट तरीके से मैनेज कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम है कि वी हैव इनर पीस. और उसकी जगह वो नेक्स्ट चीज डाल दे तो समझा ना समझा नहीं थी.